यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने अब तक अपने सैन्य हथियारों और सैन्य क्षमता को काफी अपग्रेड कर लिया है। अमेरिका भले यूक्रेन को अपने बेहतरीन हथियारों की सप्लाई कर रहा है, लेकिन कई रिपोर्ट में यह बात कही जा चुकी है कि रूसी हथियारों के आगे यूक्रेन को दिए गए अमेरिकी हथियार कहीं नहीं टिकते हैं। रूस ने कई ऐसे हथियार और बम तैयार किए हैं जो बहुत ही घातक है। ऐसे ही एक घातक बम से रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। रूस ने यूक्रेन की एक बहुमंजिला इमारत के करीब एक बम गिराया, जिससे आसपास के घर पूरी तरह से नष्ट हो गए और जमीन धस गई। बम गिरने के बाद जमीन पर एक गड्ढा बना और फिर उससे एक आग का गोला उठा, जिससे बहुमंजिला इमारत की छत उड़ गई और उसके तीन मंजिलों में भयानक आग लग गई। रूसी सैन्य ब्लॉगर दावा कर रहे हैं कि रूस ने जो बम गिराया है वो 3000 किलोग्राम के ग्लाइड बम की टेस्टिंग है। इसे फैब 3000 के नाम से जाना जाता है। इस गोले में 1.5 टन विस्फोटक भरा होता है। ये बम सोवियत युग के बम का अपग्रेडेड वर्जन है। ये अपने पुराने मॉडल की तुलना में दोगुने भारी, दोगुने विनाशकारी हैं। इन्हें अपग्रेड कर फिक्स्ड विंग और जीपीएस सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। इन्हें ऐसे बनाया गया है कि ये बम यूक्रेनी एंटी एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में भी नहीं आते। इस बम के अन्य मॉडल फैब 500 और फैब 1500 हैं। यूक्रेन में फेंके गए बम के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये 1 किलोमीटर से भी अधिक दायरे में अपना कहर बरपाते हैं। हालांकि यूक्रेनी अधिकारी इस हमले में इस्तेमाल किए हथियार को लेकर कोई दावा नहीं कर रहे हैं। उनके मुताबिक बिल्डिंग में हमला करने के लिए किस बम का इस्तेमाल किया गया है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर ग्लाइड बम गिराए जाने की पुष्टि हो जाती है तो ये फैब 3000 का पहला सबूत होगा। इसको लेकर विश्लेषकों का कहना है कि अगर रूस ने फैब 3000 को लॉन्च करना सीख लिया है तो ये उसकी एक बड़ी उपलब्धि है। ये यूक्रेन सेना के खिलाफ रूस की क्षमता को बढ़ाने वाला है। यूक्रेन के एक फेमस पत्रकार इलिया पोनोमारेंको ने एक्स पर लिखा कि ग्लाइड बमों को मार गिराना बेहद मुश्किल है। उनके मुताबिक इन बमों में किए गए नेविगेशन मॉडिफिकेशन का मतलब है कि उन्हें यूक्रेनी एयर डिफेंस की सीमा से परे रूसी क्षेत्र के भीतर से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसे देखते हुए अब अमेरिका ने कह दिया है कि यूक्रेनी सेना को अब अमेरिका द्वारा दिए गए लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के अंदर भी हमला करने की अनुमति है। इससे यूक्रेन को ग्लाइड बमों को उनको लॉन्च की जाने वाली जगह पर ही रोकने में मदद मिलेगी। इधर यूक्रेनी नेताओं का कहना है कि रूसी ग्लाइड बमों से निपटने के लिए अमेरिका निर्मित F-16 लड़ाकू विमान महत्वपूर्ण है। पिछले महीने ही यूक्रेनी राष्ट्रपति के एक करीबी ने कहा था कि ग्लाइड बमों के खिलाफ एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत उपयोगी नहीं है, इसका मुकाबला सिर्फ F-16 से होगा। आपको बता दें कि यूक्रेन की मदद के लिए कई यूरोपीय देशों ने F-16 फाइटर जेट देने का वादा किया है। सभी को मिलाकर यूक्रेन को लगभग 80 फाइटर जेट मिलने हैं, जिनमें से F-16 की पहली खेप जल्द ही यूक्रेन पहुंचने की उम्मीद है। इससे यूक्रेन हवा में रूसी लड़ाकू विमानों का मुकाबला करने में मजबूत होगा।